हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था कंपनी ऑडिट, और इसमें हमने एक सेक्शन पूरी कंप्लीट कर ली थी, कंपनी अंकेक्षक की योग्यता एवं अयोग्यता। हमने इसमें पढ़ा था सेक्शन 141, इसमें हमने योग्यता पढ़ी और एक पढ़ी हमने अयोग्यता, कि कौन कंपनी की ऑडिट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। योग्यता को आपने पढ़ा धारा 141 की उपधारा एक और 141 की उपधारा दो में। अयोग्यता में आपने धारा 141 की उपधारा तीन और 141 की उपधारा चार पढ़ा। धारा 141 की उपधारा तीन के साथ आपने पढ़ा रूल 10। यहाँ तक क्लियर है? तो यह हम पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट जो मैं अयोग्यता पढ़ा रहा था आपको, 141 की उपधारा तीन का वाक्य बताओ, याद है? आई, इसमें मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी अंकेक्षक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कंपनी में, उसकी सब्सिडरी में और उसकी होल्डिंग में, धारा 144 में बताई गई सेवाएं प्रदान करता है, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको इसको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो अक्सर सीए देते हैं, जो प्रोफेशनल सर्विस में आती है, जो दे भी सकते हैं, फिर भी इन्होंने मना कर दिया कि आप तय कर लो आपको करना क्या है। आपको ये सर्विस देनी है या ऑडिट करनी है, यानी कि एक कंपनी में आप दोनों काम नहीं कर सकते। तो वो कौन सी सर्विसेज हैं, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज सेक्शन 144। इसका नाम है सर्टेन सर्विसेज आर नॉट टू बी प्रोवाइडेड, कि कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो आपके द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं जो आपके द्वारा नहीं दी जानी चाहिए, अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। तो ये सर्विसेज की मैं आपको लिस्ट बताऊं, उससे पहले बता देता हूं कि ये सेक्शन जो है ये कहती है कि कोई भी ऑडिटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष से या अप्रत्यक्ष से ये सेवाएं नहीं देगा। तो अब पहले इसका मीनिंग समझाता हूं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मीनिंग क्या है, क्योंकि देखो कानून तो बना दिया और लोग अपना दिमाग लगाएंगे और कानून की धज्जियां उड़ाएंगे। इन सर्विसेज में से एक सर्विस है, वो है लेखांकन सेवाएं। लेखांकन सेवाएं, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी की अकाउंटिंग नहीं कर सकता। जब मुझे अकाउंट्स आती है तो मैं अकाउंटिंग क्यों नहीं करूँगा, बताओ, कर सकते नहीं कर सकते? मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बनना चाह रहे हो पर आपके भाग्य में अगर नहीं लिखा है तो नहीं बनोगे, ये फैक्ट है। देखो हम प्रयास कर सकते हैं, हमारे भविष्य में क्या लिखा हुआ है वो तो राम ने रच रखा है, और होगा वो जो राम रची रखा। आप और मैं तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने प्रयास किए पर नहीं बैठी हिसाब किताब, अब जीवन तो जीना छोड़ेंगे नहीं, तो वो बेचारे बेरोजगार इधर उधर घूमते रहते हैं, घर जाएं तो घर से लात पड़ जाती है, करें तो क्या करें, तो सोच लो चलो व्यापार कर लेते हैं, और तो क्या करें आदमी, कुछ तो करें, खेती बाड़ी अब होती नहीं हमसे, चलो व्यापार कर लेते हैं। व्यापार में कोशिश करी तो बोला पैसा चाहिए, घर वाले ने कह दिया तेरे को पढ़ा लिखा लिया, हमारे बस की विद्या है नहीं, तू जाने तेरा काम जाने, ऊपर से सगाई पताई की बातें चल रही हैं यार, ये खुद का पेट तो भरा नहीं जा रहा और एक पेट और लाके दे रहे हैं।
ये तो बड़ा टेढ़ा काम है। तो उनको अंत में दुखियारे लोग मुझे याद करते हैं कि सर हम आपकी शरण में हैं, दाल रोटी जितनी जॉब दिला दो, कहीं कुछ काम ही दिला दो। मैंने कहा तेरे को आता क्या है? बोले सर यही तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मुझे आता क्या है, सर मुझे तो कुछ नहीं आता। तो ऐसे बच्चों का मैं यूज करता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या बढ़िया लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, तो हम किसी के ऊपर एहसान तो करते ही नहीं, समझ लो यूज करते हैं हम लोगों को। तो मैं तो बहुत बड़ा यूज करने वाला हूँ, यूजर हूँ मैं तो। तो मैं कहता हूँ एक काम कर बेटा, तेरे को मैं काम का आदमी बना देता हूँ, तू मेरे ऑफिस आ जा, काम कर, काम सीख, 6 महीने लगेंगे तेरे को। अब देखो कोई मेरे पास जादू मंत्र तो है नहीं, अकाउंट्स पढ़ना और अकाउंटिंग करना दोनों में दिन रात का क्या है अंतर है। अब ये तो वो वाली बात हो गई कि आप यूट्यूब पे ये देख लो कि भाई तैरते कैसे हैं, और जाके मैं कहूँगी अब तू सीख तो गया ही, कूद जा पानी में, तो वो तैरना थोड़ी सीख जाएगा, वो तो करेगा तो सीखेगा, आप हाथ पैर मारोगे तो सीखोगे। तो मैंने कहा बेटा आ जा। बोले सर क्या दोगे? मैंने कहा दूंगा नहीं, पर तेरे से लूंगा भी नहीं, सिखाने की कुछ नहीं लूंगा, तो ऑफिस आ जा, आने जाने का पेट्रोल भी तेरा ही है, मैं तो 54 नहीं दूं। बोले सर नौकरी तो लगा दोगे ना? ये गारंटी है, ये गारंटी है तेरे को नौकरी लगा दूंगा। बोले ठीक है सर आ जाते हैं। तो ऐसे कई बच्चे आ गए मेरे पास, 5-6 महीने काम सीखे। अब उनमें से क्या होते हैं, कहीं तो गधे होते हैं, तो उनको मैं 15 दिन में मैं खुद ही बोल देता हूँ यार तू, तेरे बस की विद्या नहीं है, तू गलत लाइन में आ गया जा। पर कई टैलेंटेड आते हैं, काम सीख गए साहब, काम सीख गया तो मेरे को बोलते हैं सर अब बताओ क्या करें, 6 महीने हो गए आपको सेवा देते हुए। तो मैं या तो मेरी किसी पार्टी के यहाँ पे उसको जॉब लगवा देता हूँ, या मेरे खुद के पास ही रख लेता हूँ, ये तो करेंगे। वो बंदा काम क्या कर रहा है बताओ? अकाउंटिंग। तो जब मैं लोगों को अकाउंटिंग करना सिखा सकता हूँ, मुझे नहीं आती क्या? मुझे भी आती है, हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग में पैसा खूब है। आप एक पार्टी पकड़ लो, पार्ट टाइम पकड़ लो, उसको एक दिन छोड़ के एक दिन जाए, वो 1-1.5 घंटा दे दो, 10,000 रुपये दे देगा वो आपको। आपने 5 पार्टी पकड़ ली, 50,000 रुपये महीने की ध्यान की होगी आपकी, क्या करेगा जूनियर अकाउंटेंट? लोग लाख लाख रुपए कमा रहे हैं, जो मेरे से सीखे हुए हैं वो लाख लाख रुपए में ना कमा रहे हैं, पर आप में वो टैलेंट होना चाहिए। लोगों को समझ में आ गया यार इसको काम दे दो, अपनी टेंशन खत्म। फिर आपको GST का नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, वो धीरे धीरे आता है। तो अब एक बात बताऊँ, मेरे पास में क्लाइंट आया, बोले सर आप हमारी कंपनी की ऑडिट कर दो। मैं कहा कर देंगे, बही खाते ले आओ। बोले सर बही खाते ये मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ऑडिट क्या तेरी करूँगा? अरे मैंने कहा बही खातों की ऑडिट होती है, बही खाते तो बना। बोले सर हम ये कुछ नहीं जानते, बही खाते भी आप ही बनाओ, अकाउंटिंग भी आप ही करो और ऑडिट भी आप ही करो। मैंने कहा भैया ऑडिट की फीस अलग है और अकाउंटिंग की अलग है। सर आप फीस पे आ जाते हो, बोलो ना कितनी चाहिए। मैंने कहा ऑडिट की 10,000 है, अकाउंटिंग की 50,000 है, 60,000 रुपये लगेंगे। सर डन। अब सामने वाला पैसे भी देने को तैयार है, काम भी दे रहा है, कर लूँ क्या? आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है? क्लाइंट खुद चला के पैसा दे रहा है, काम दे रहा है, और आप कह रहे हो नहीं नहीं करनी। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता बताओ? धारा 144 क्या कह रही है? भैया एक चीज तय कर लो, या तो क्या कर लो अकाउंटिंग कर लो, या फिर ऑडिट कर लो। अच्छा ये जो सर्विसेज है ना, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये जो सर्विसेज है इसका मैं तरीका बताता हूँ। ये सारी सर्विसेज छांट छांट कर इन्होंने लिस्ट ये बनाई है जिसमें आपकी स्वतंत्रता क्या हो सकती हो डिस्टर्ब, तो इन्होंने मना ही कर दिया। आप खुद सोचो, अगर मैं अकाउंटिंग करूँगा और मैं ही उसकी क्या करूँ जांच पड़ताल, क्या खुद की गलती खुद के समझ में आती है क्या? अब देखो कहूँ क्या आ जाती है, जैसे मेरे आ गई थी, ठीक है ना, पर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अभी देखो मनीष सर ने भी गलती तो करी है ना, पर कहाँ एक्सेप्ट करते हैं, मैं क्लास में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो लोग उसको अगर मान लो पहली बार तो खुद की गलती खुद के पकड़ में आएगी नहीं, और अगर आ गई तो वो बताएगा कि छुपाएगा, तो स्वतंत्रता कहाँ गई? आप तो स्वतंत्र जांच पड़ताल कर रहे थे, गलतियों को रिपोर्ट में लिखते, आपने तो छुपा ली, क्योंकि खुद की गलती खुद कौन बताएगा। इसलिए इन्होंने कहा भैया अकाउंटिंग तुम कर ही नहीं सकते, तुम केवल क्या करोगे ऑडिट करोगे, और अगर तुम अकाउंटिंग करना चाहते हो करो, हम मना नहीं कर रहे,
हम ये थोड़ी करें कि ये जिंदगी में काम ही नहीं करोगे। मैं तो कह रहा हूं अगर तुम अकाउंटिंग कर रहे हो तो फिर उस कंपनी की क्या नहीं करोगे, दो में से एक चीज सेलेक्ट करनी है। थीम समझ में आ गई? अब साहब मेरा दिमाग तो सटकेगा क्योंकि 50,000 रुपये का काम जा रहा है। तो मैंने कहा यार तू एक काम कर, तू दो चेक देना, एक 10,000 का और एक 50,000 का। 10,000 का तो मेरे नाम से दे और 50,000 का चेक मेरी वाइफ के नाम से दे। अकाउंटिंग किसने करी? मैंने तो नहीं करी ना, मैंने तो करी नहीं। और इस सेक्शन में जो 141 की सब सेक्शन 3 का क्लोज आपने आई पढ़ा था, मैंने कहीं भी रिश्तेदार शब्द यूज नहीं किया। बताओ अब ऑडिट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? इसमें रिश्तेदार शब्द यूज नहीं किया पर एक बहुत बड़ा शब्द यूज कर दिया। कौन सा? डायरेक्टली। या अब बोलो समझ में आ गया क्या? चाहे मैं खुद करूं चाहे किसी से करवा लूं तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता। तो पहले तो डायरेक्टली का मीनिंग बताओ। डायरेक्ट मतलब या तो अंकेक्षक स्वयं, और अगर साझेदारी फर्म है तो साझेदार। तो ये तो हो गया मामला डायरेक्ट कि ऑडिटर या उसका पार्टनर क्या कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, तो फिर वो उसकी ऑडिट नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट दिख ही रहा है। अब मैं आपको बात बताता हूं इनडायरेक्ट की, कि सब इनडायरेक्ट कम माना जाएगा। अप्रत्यक्ष तौर पे ये मान लिया जाएगा कि ये सेवा आप ही दे रहे हो, दी नहीं होगी भले ही आपने, पर मान लिया जाएगा। और अगर आप ये सेवा दे रहे हो तो फिर आप ऑडिट नहीं कर सकते। आप बताओगे इनडायरेक्ट या मैं बताऊं? लगाओ तुक्का अपना कि अप्रत्यक्ष तौर पे कब माना जाएगा ये। यदि मैं ये सेवाएं किसके माध्यम से दे रहा हूं? रिश्तेदार के माध्यम से। किसका रिश्तेदार? चाहे मेरा रिश्तेदार और चाहे मेरे पार्टनर का रिश्तेदार हो, भाई साझेदार के रिश्तेदार हो, मेरे हो, एक ही बात है। तो बताओ इनडायरेक्टली क्या मान लिया जाएगा? कि ये सेवा हमने ही दी है। समझ में आ गया? अब इतना दिमाग तो अपना भी काम करता है कि यार वाइफ के नाम चेक लूंगा तो मामला गड़बड़ है, पकड़ में आ जाएगा। आपका क्या नाम है? सिकंदर, सिकंदर चौधरी है ना? हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। तो सिकंदर मेरा रिश्तेदार नहीं है, नहीं है ना? अब मैं बढ़िया ये जाट कहां से रिश्तेदार होंगे? तो साहब मैंने सिकंदर को एक ऑफर किया, यार सिकंदर एक 50,000 का चेक आएगा तेरे नाम से ले लूं, तू तेरे अकाउंट में लगा देना, केस निकाल लाना, 5,000 तू रख लेना, 45,000 मेरे को देना, मैं 5,000 में मामला छूटा, क्या आप ये काम कर लोगे? कर लेंगे सर। घर बैठे 5,000 आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? अकाउंट में पैसा लगा के ला देंगे आपको ना। तो ये मेरा रिश्तेदार है, इसलिए मैंने इस सेक्शन में रिश्तेदार शब्द यूज नहीं किया, क्योंकि रिश्तेदार में तो केवल रिश्तेदार ही आते। अप्रत्यक्ष तौर पे रिश्तेदार के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर मैं क्या रखता हूं, नियंत्रण या प्रभाव रखता हूं, कैसा मैं जैसा बोलूंगा वैसा होगा। अब मेरे स्टाफ के नाम से ले लूं चेक, मेरे कोई नॉन के नाम से ले लूं चाहे रिश्तेदार नहीं हो, तो मैं उनके ऊपर क्या रख रहा हूं, कंट्रोल, या मैं उनको प्रभावित कर सकता हूं। तो ये माना जाएगा कि हम दोनों क्या हैं, एक ही हैं। दो बातें समझ में आ गई? अप्रत्यक्ष तौर पे कब कब माना जाएगा? जब रिश्तेदार के थ्रू दो, या रिश्तेदार नहीं है कोई भी ऐसे व्यक्ति के थ्रू कोई काम करो जिस पे आप कंट्रोल रखते हो या जिस पे आप प्रभाव रखते हो। समझ गए? और एक और बात, आजकल है ना बच्चों ब्रांड बिकता है। क्या बिकता है? हाँ, कई बार ब्रांड बेकार भी होते हैं पर बिकता है। अब देखो मैं आपको बताऊँ, मेरे जीजाजी वगैरह आए हुए थे, कोई शादी है आज की तो उसमें आए हुए थे, कुकस, कुकस में शिव विलास में वहां शादी है, तो आए हुए थे यहाँ पे। तो मैं भी थोड़ा सेकी सेकी में, गुजरात से आए मेरे जीजाजी, मैंने कहा जीजाजी आपको चाय पिलाता हूँ।
बोला चाय चाय तो पीते ही रहते हैं। अरे मैंने कहा राजस्थान की नामी चाय पिलाऊंगा, ऐसे क्या बात करते हो। अब साहब जयपुर में एक चाय वाले का नाम बहुत बड़ा है, गुलाब जी चाय वाले, और मैं साहब उनके लिए गया चाय पिलाने। जया जी ने चाय पी, बोले इतनी घटिया चाय मैंने जिंदगी में नहीं पी। मैं गए अरे तो तोहिन हो गई। किसकी? अरे राजस्थान की तोहिन हो गई। मैं गए तो मामला गड़बड़े। लेकिन क्या है, लोग उस गुलाब जी चाय वाले को 30 रुपए दिएंगे चाय के, बाहर बेचारा एक चाय वाला चाय बना रहा 5 रुपए में, उसको नहीं देंगे। तो अगर कोई आदमी अपना बिजनेस चलाना चाहता है तो वो कोई ना कोई ब्रांड का क्या लेता है, सारा लेता है। हमारे सीए लाइन में भी ब्रांडेड है। क्या ब्रांड चलते हैं हमारे लाइन में? बहुत चलते हैं। आज अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, ये लोग भी तो ऑडिट कराते ही हैं, मेरे पास तो नहीं आए कभी। अरे एक बार सेवा का मौका तो देके देखो, शिकायत हो तो बोलना। रिलायंस है, टाटा है, बिड़ला है, अडानी है, ये लोग तो ऑडिट कराने ही नहीं आ रहे हमारे पास। ये मालूम कहाँ भागते हैं? बिग फोर में। हमारे सीए लाइन में 4 बड़े बड़े ब्रांड हैं जिसको हम बिग फोर बोलते हैं, जैसे KPMG, डिलॉइट, E&Y, समझ रहे हो? ये बड़े बड़े ब्रांड है साहब, इनका नाम है। अगर मैं मुझे मेरी प्रैक्टिस चलानी है और मैं इनका नाम का सारा ले लूं, तो देखो काम तो मैं ही करूंगा पर नाम का फर्क पड़ता है। तो इन्होंने कहा अगर आप किसी ब्रांड नेम को यूज कर रहे हो, चाहे आप यूज करो चाहे आपका पार्टनर यूज करे, तो आपको और उस ब्रांड को क्या मान लिया जाएगा? एक ही मान लिया जाएगा कि आप दोनों एक ही हो। ये माना जाएगा कि वो सेवा आप दे रहे हो या वो दे रहे हो, एक ही बात है। समझ में आ गया? तीनों पॉइंट क्लियर हैं? तो इनडायरेक्टली का मतलब समझ गए? एक बार यहां तक का रीड आउट करके बताता हूं। धारा 144, अंक 61 द्वारा कुछ सेवाएं प्रदान न करना। इन्होंने लिखा ऑडिटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कुछ सर्विसेज नहीं देगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं देगा। कौन कौन सी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है। अगर ऑडिटर अकेला है, भाई ऑडिटर के बारे में मैंने बताया ना, या तो अकेला काम करेगा या पार्टनरशिप फॉर्म बनाएगा या LLP बनाएगा। अगर ऑडिटर अकेला है और वो खुद काम कर रहा है तो बताओ ये क्या हो गया? अगर ऑडिटर अकेला है और वो खुद काम कर रहा है तो ये हो गया डायरेक्टली। ये क्या हो गया? डायरेक्टली। लेकिन अगर ऑडिटर खुद ना करके किसके माध्यम से कर रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो ऑडिटर से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑडिटर उसके ऊपर क्या रखता है? प्रभाव, या क्या रखता है? नियंत्रण। तो बताओ ये दोनों क्या मान लिए जाएंगे? ये मान लिए जाएंगे इनडायरेक्टली। समझ में आ रही बात यहां तक? चाहे डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली। इसके अलावा अगर आप किसी ब्रांड नेम या ट्रेड नेम का उपयोग करते हो तो आपको और उस ब्रांड नेम वाले को भी क्या मान लिया जाएगा? एक ही मान लिया जाएगा। तो ये भी इनडायरेक्टली हो गया। ये तो गई अकेले की। अगर ऑडिटर की क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर क्या है, LLP, और ऑडिटर खुद करे या उसका पार्टनर करे, या तो ऑडिटर सेवा क्या करे, खुद दे, या फिर सेवा कौन दे, उसका पार्टनर दे, तो बताओ इसको क्या मान लिया जाएगा? डायरेक्टली। फर्म में कोई पार्टनर दो, सर्विस चाहे आप दो, एक ही बात है। तो ये तो हो गया डायरेक्टली। अब बताओ इनडायरेक्टली कब माना जाएगा? जब इस फर्म की कोई पेरेंट, सब्सिडरी या क्या है, एसोसिएट, मतलब फर्म के साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, तो ये माना जाएगा आपने दी उसने दी, एक ही बात है। ये क्या हो गया? इनडायरेक्टली। ये मामला क्या हो गया आपका? इनडायरेक्टली। या फिर किसी भी संस्था या व्यक्ति के द्वारा दिया जाए जिस पर आपकी फर्म या उसका पार्टनर क्या रखता हो, नियंत्रण और प्रभाव रखता हो, तो भी क्या माना जाएगा? इनडायरेक्टली। या फिर ये ब्रांड नेम और ट्रेड नेम को यूज करते हो, चाहे फर्म यूज करे चाहे उसका कोई पार्टनर यूज करे, तो क्या माना जाएगा? इनडायरेक्टली। यहां तक समझ में आ गया क्या? 100 बातों की एक बात यह है कि इससे दूर रहना है। आप या तो ऑडिट करो या फिर ये जो मैं लिस्ट बताने जा रहा हूं, ये सेवाएं आप नहीं दे सकते। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? ना तो डायरेक्टली दे सकते हो ना ही इनडायरेक्टली, क्योंकि आप क्या हो जाओगे फिर? अयोग्य। तो धारा 144 आपकी ये है।
समझ में आ गया। अब आपको ये लिस्ट ध्यान रखनी है। लिस्ट सर क्यों रट्टा मारें क्या? देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप एक कंपनी के आंतरिक अंकेक्षक हो, तो क्या आपको उस कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है क्या? क्वेश्चन ऐसे आएगा। या फिर आ जाए निम्नलिखित में से किसको वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये लिस्ट है, वो लिस्ट है कि आप या तो ये काम कर लेना या फिर ऑडिट कर लेना। तो अब मैं आपसे पूछता जा रहा हूं, बताते जाओ। अगर आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट हो, लेखाकार हो, अकाउंटिंग करते हो, तो क्या आप उस कंपनी की ऑडिट कर सकते हो? ये मना है धारा 144 में कि आप लेखांकन और पुस्त पालन संबंधी सेवाएं नहीं दे सकते। अच्छा, इनमें फर्क है क्या लेखांकन में और पुस्त पालन में, बताओ? देखो एक कहावत है, जहां पुस्त पालन समाप्त होता है वहां लेखांकन प्रारंभ होता है, और जहां लेखांकन समाप्त होता है वहां अंकेक्षण प्रारंभ होता है, और जहां अंकेक्षण समाप्त होता है वहां इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान प्रारंभ होता है। तो इनका काम का लेवल है अपना अपना। जो शुरुआती काम करते हैं अपन, लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करना, जो प्रारंभिक पुस्तकें होती हैं स्टार्टिंग की, लिखापढ़ी करना, वो क्या कहलाता है? पुस्त पालन। अब फिर उसको समराइज करोगे कि क्या कमाया और क्या खोया, तो उससे आप बनाओगे वित्तीय विवरण, जैसे लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, तो वो कहलाता है लेखांकन। समझ में आ गया? मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, सर मैं थोड़ा सा अकाउंटिंग का काम सीख गया या मुझे आप अकाउंटेंट की जॉब लगा दो, टेली का सॉफ्टवेयर सीख जाते हैं, अकाउंटेंट की जॉब लगा दो। मैंने कहा देख, पहली बात तो तू अपने आप को ये समझ कि तू अकाउंटेंट नहीं है। सर मेरे को अकाउंटिंग आती है। मैंने कहा तेरे को अकाउंटिंग नहीं आती, तेरे को बुक कीपिंग आती है, और तू सिर्फ अभी तक क्या कर पा रहा है? अकाउंटिंग एंट्रीज, एंट्री करना बुक कीपिंग का काम है। एंट्री करने के बाद उसका कहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन सा खर्चा आयगत है, कौन सा पूंजीगत है, बैलेंस शीट में जाएगा कि पी एंड एल में जाएगा, ये थोड़ा सा एनालिटिकल वर्क का आपको जो करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, बताओ? तो पुस्त पालन क्या हो गया? एक रूटीन का काम, तो उसको कहते हैं क्या? प्रैक्टिकल वर्क। पुस्त पालन क्या? एक व्यावहारिक कार्य है, जबकि लेखांकन विश्लेषणात्मक कार्य है। पुस्त पालन क्या है आपका? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पुस्त पालन का जो कार्य होता है, बुक कीपिंग जो होती है, ये कैसा कार्य है? ये व्यावहारिक कार्य है, प्रैक्टिकल वर्क, क्योंकि रूटीन के कामकाज करने हैं। फिर पूछते हैं बताओ लेखांकन कैसा कार्य है? अब लेखांकन में आपको एंट्रियां थोड़ी करनी है, एंट्री तो किसमें हो चुकी? बुक कीपिंग में। आपको तो ये देखना है कौन सा पी एंड एल में जाना है और कौन सा बैलेंस शीट में जाना है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई। इसलिए ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है, तो इसको अपन कहते हैं विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल वर्क। अब बात करते हैं, बताओ फिर ऑडिट का क्या काम है? ऑडिट क्या करता है? इनकी जांच पड़ताल करेगा कि अकाउंटिंग ने भी कोई गलती तो नहीं हो गई, और हमारा उद्देश्य गलतियां ढूंढना, गलतियां ढूंढना। तो बताओ हम तारीफ करने के लिए जाते हैं या बुराइयां करने के लिए जाते हैं? हाँ, निंदक नियरे राखिए, वैसे ही ऑडिटर होता है। तो हमारा जो काम है वो कैसा है? आलोचनात्मक कार्य है, हमें लोगों की गलतियां निकालनी है। हमारा काम ही कैसा है? आलोचनात्मक कार्य। समझ में आ गया? देखो जब शुरू शुरू में मैं सीए कर रहा था, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, हमारे क्या होता है सीए के अंडर में 3 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो मैंने सीए फाउंडेशन पास आउट किया, और उस टाइम कोई 2-4-5% बच्चे पास होते थे। जैसे मान लो पूरी क्लास है, इसने एग्जाम दी और उसमें 3 बच्चे सेलेक्ट हो गए, बाकी सारे क्या हो गए? साहब हो गए। ऐसे रिजल्ट आते थे, और नेट का ज़माना था नहीं। हमारे सी इंस्टीट्यूट के बाहर दीवार पे पूरी लिस्ट छाप दी जाती थी, उसके सामने लिखा रहता था ऐसे फेल 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 फेल, और जो पास होता था ना वो चुपचाप ही वहाँ से निकल लेता था, क्योंकि अगर उसने ये कर दिया ना, यस मैं पास हो गया, तो वहीं पीटते उसको दनादन। तेरे चक्कर में हम सारे फेल हो गए, तो पास होने वाला चुपचाप निकल लेता था। तो मैं पास हो गया साहब, तो गिने चुने लोग पास होते थे, तो थोड़ा सा पावर में आ ही जाता आदमी। यार बढ़िया सी सीए को ज्वाइन करेंगे, शानदार।
तो मैंने जयपुर के टॉप सीए को ज्वाइन करा, कह रहा अपन यहाँ से आर्टिकलशिप करेंगे। तो जो मेरे बॉस थे ना, वो मतलब आज भी हैं गजब के आदमी, जगुआर मेंटेन करने वाले। जयपुर में दो चार सीए ही हैं, जगुआर मेंटेन करते हैं। तो साहब मैं गया वहाँ ऑफिस में, उन्होंने मेरे को पहली बार में ही ऑडिट पे भेज दिया। और ऑडिट मालूम मैंने मेरी लाइफ की पहली ऑडिट कौन सी करी थी? आर के मार्बल की। नाम सुना है आपने? किशनगढ़ में जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मार्बल आज तक इसने निकाला है, गिनीज बुक में नाम है इसका। साहब हम इसकी ऑडिट करने चले गए। अब वहाँ ऑफिस देखो तो आप साहब, ऑफिस 5 स्टार होटल भी फेल, इतना गजब का। और हमें मिल गया बिट्टो पावर, वहाँ सब जो ही जाए हर कोई नमस्ते करे, हर कोई नमस्कार करे। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? तो मैं गया तो पावर है यार, क्योंकि लोगों को डर लग रहा हमसे कि ये हमारी गलतियां निकालेंगे। शाम हुई, शाम को जो मेरे सीनियर्स मेरे साथ गए थे, उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, वहीं हम गेस्ट हाउस में रुके थे, वहीं गेस्ट हाउस में रुके थे, वो उन दिनों की बातें जब सलमान खान ने हिरण मारा था। तो हिरण मार के सीधा आर के मरवालों की शरण में गया था। मेरे बाजू वाले रूम में सलमान खान रुका हुआ था और इधर मैं रुका हुआ था, उनके गेस्ट हाउस की बातें हैं। तब मैंने उसका नाम सल्लू रखा था, तब से हमारी दोस्ती है। तो थोड़ा थोड़ा मैं फेंकता रहता हूँ क्या करें तो आप बताओ, बीवी तारीफ करती नहीं, खुद ही कर लें। तो साहब क्या हुआ, वहां पे आर के मार्बल की ऑडिट करने गए, तो मेरे सीनियर ने क्या कहा, बेटा एक काम कर, रात के 3 बजे का अलार्म लगा ले। 3 बजे का क्यों? बोला ऑडिट करने चलेंगे। मैंने कहा ऐसी कौन सी ऑडिट आ गई भाई जो तुम 3 बजे लेने जा रहे हो? बोले तू देख सिखा रहा हूँ तेरे को सीख। ठीक है साहब, 3 बजे का अलार्म लगा दे, उठ गए। बोले चलो फैक्ट्री विजिट पे चलते हैं, नाइट में विजिट करने चल रहे हैं, 4 बजे से वर्मा जी भी सो जाते हैं बेचारे। तो गए साहब वहां पे, जो मशीनें थी ऑटोमेटिक मशीनें थी, एक मशीन पे एक सुपरवाइजर होता था। तो गए तो पहला वाला ही हमको तो सोते हुए मिला। मैंने कहा भाई तेरा नाम बता। वो हाथ जोड़ने लगा, साहब 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 प्लीज साहब नाम बता भाई, नहीं तो मैं मशीन नंबर नोट कर लूंगा, तेरी ड्यूटी ही पकड़ में आ जाएगा। तो ऐसे करके हम 3 लोग गए थे छापा मारने, हमने 5-7 लोगों को पॉइंट आउट कर लिया कि भाई ये ऑन ड्यूटी सीटी बजाते हुए पाए गए। सुबह हमने रिपोर्ट दे दी मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ने उन सबको बुलाया और हमारे सामने नौकरी से निकाल दिया कि तुम लोग यहाँ से तुरंत रवाना हो जाओ। तुरंत हमारी रिपोर्ट पर एक्शन लिया गया। तो मेरे जो साथ वाले सीनियर से वो खुश हो रहे कि देखो आज अपन ने क्या कारनामा कर दिया। मैं थोड़ा सा उदास हो गया, मैं कह रहा आज तक किसी को नौकरी दी नहीं और मैंने किसी के पेट पे बेचारे के लात मार दी। मैं बड़ा उदास सा हुआ। फिर मुझे गीता ज्ञान दिया गया कि हे अर्जुन क्यों व्यर्थ चिंता कर रहा है? बोले तूने नौकरी से डाया? बोले नहीं, तूने तेरा कर्म किया। तो हमारे साथ समस्या ये है कि हम ऑडिट करने जाते हैं, हमें लोगों की क्या ढूंढनी है, गलतियां। तो लोग हमें क्या सपोर्ट नहीं करते, कौन करेगा बताओ सपोर्ट? मैं आपकी गलतियां निकालने आ जाऊं, सपोर्ट कौन करेगा? लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। हमारा कार्य कैसा है? आलोचनात्मक कार्य है। समझ में आ गया? तो अब मैं धारा 144 में ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप किसी की अकाउंटिंग करते हो या पुष्पालन सेवाएं देते हो तो आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते। ये पॉइंट में किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया क्या? क्लियर है? देखो सब क्या है, भले ही हम निंदक हैं, भले ही हम क्या हैं, निंदक हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मेरी शादी हुई ना, उससे पहले मुझे मालूम नहीं था मेरे में इतनी कमियां हैं। आपको मैं बता रहा हूं, अगर कोई अपने आप को परफेक्ट समझता है ना, वो शादी कर ले, उसको समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में सारी कमियां ही मेरे में हैं, क्योंकि आपने निंदक रख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी शादी हुई शुरुआती दिनों की बात ही बताता हूँ। मैं जैसे मान लो ऑफिस से गया, जूते वूते खोल दिए, जुराब नहीं खोली और जाके बेड पे लेट गया, जुराब सही थी, लो इस पे ही भजन सुन लिए। ये क्या है? आज तक ऐसे ही चल रहा है। नहीं अब नहीं चलेगा। अब बताओ, ना तो हमारे अकाउंट्स में कोई ऐसी बात लिखी हुई थी, ना इनकम टैक्स में, ना कॉस्टिंग में। अब संडे है, कोई जरूरी ना है? उठे और उड़ते खाना खाने लग गए, ये लो इस पे भी भजन चालू। ऐसी छोटी छोटी कमियां हमें रोज देखने को मिलती हैं, ऐसे निंदक रख लिए हमने। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि यार ये निंदक होने भी क्या है, जरूरी है। ये आखिर हैं तो अपने इतने ही,
बात तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, सुधारने की तो कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे क्या है, जब क्लाइंट को हमने गलतियां निकाल निकाल के दी ना, और उनको मालूम चला और हमारा इतना नुकसान हो रहा है, हम तो बहुत गलत तरीके से कारोबार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, यार सीए साहब आप आदमी तो कमाल के हो यार, आप गलतियां ढूंढ देते हो, बताओ हमारी। लेकिन सर मज़ा नहीं आया। मैंने कहा यार अब मज़ा किसका गुलाम है। मैंने कहा साहब मैंने इतनी मेहनत करी है, कागजों से गलतियां निकाल निकाल के आपके सामने रखी है, आप तो व्यापार कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रही, और मैं कागजों से निकाल के दे रहा हूँ। बोले सर आपकी काबिलियत पे डाउट नहीं हो रहा। आप आए कब, जहां अकाउंटिंग क्या हो गई समाप्त, वहां आप चालू हुए, तो पूरी साल तो हम इंतजार करते रहे। ईयर एंड होने के बाद आप चेक करने आए और गलतियां पकड़ पकड़ के दे रहे हो, अब इन गलतियों का कर क्या लें। भाई मजेदार बात कब होती कि गलती होते ही पकड़ में आ जाए। तो ले यार सीए साहब को ऐसा जुगाड़ करो कि इधर गलती और आप इधर खोज के हमें दे दो, तो तुरंत उसको रेक्टिफाई कर देंगे। तो मैंने कहा साहब इसके लिए तो फिर पूरी साल ही आपके यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो बोला आओ ना सर। मैं कहा साहब मैं डेली आऊँगा जाऊँगा, मेरी गाड़ी पानी से चलती नहीं। सर पैसा चाहिए, कितना चाहिए बोलो, 10 लाख 20 लाख। अरे आज में तो लाखों पे आ गए सीधे ही। मैंने कहा आप दोगे? अरे सर आप गलतियां ढूंढ के हमको कितने का फायदा करा रहे हो वो देखो। अब बताओ एक ऐसे आदमी को पूरे साल ही नियुक्त कर दिया, तो वो ऑडिटर क्या हो गया, एक तरह का संस्था का कर्मचारी हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, कर्मचारी हो गया। तो ये ऑडिट क्या कहलाती है, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट करवाना अनिवार्य है या इच्छिक है? आपकी इच्छा है, कराओ तो ठीक, नहीं कराओ तो ठीक। अगर कोई कंपनी मुझे अपना इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करती है तो भी क्या उसको कंपनी एक्ट के तहत ऑडिट करानी पड़ेगी? बिल्कुल, वो तो अलग है ना ऑडिट। उस ऑडिट का नाम क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, वैधानिक अंकेक्षण, स्टेचुरी ऑडिट, जो प्रत्येक कंपनी को प्रतिवर्ष करवानी क्या है, अनिवार्य है। अगर आप ये कहो कि साहब मेरे यहाँ तो सीए पूरे साल ही बैठा रहता है, इसकी क्या जरूरत है, तो कह रहे ये मत बिठाओ आप, पर ये जरूरी है। और अब नियम क्या बना दिया इन्होंने कि अगर आप किसी कंपनी की क्या कर रहे हो, तो फिर आप उसकी स्टेचुरी ऑडिट नहीं कर सकते। समझ में आ गया क्या, क्लियर है? आप कहेंगे सर इंटरनल ऑडिट तो वैसे भी कर्मचारी होता है, और स्टेचुरी ऑडिटर कर्मचारी हो नहीं सकता, वो तो फुल टाइम क्या होता है प्रैक्टिस में। देखो क्या है, कंपनियां भी अलग अलग लेवल की हैं। अब हर कोई तो रिलायंस नहीं है ना। मेरे पास सीतापुरा में बहुत सारे क्लाइंट हैं जो रिलायंस नहीं है, पर एकदम छोटे लाला जी की दुकान भी नहीं है। तो वो मेरे जैसे को ये कहते हैं कि सर आप डेली आओ, डेली चेक करो, आप जो पैसा लोगे मैं दे दूंगा। मैंने कहा 20 लाख दे दोगे? सर मजाक करते हो सर, इतना तो मैं खुद ही नहीं कमाता सर। तो वो इतना पैसा भी नहीं दे सकता कि मेरे को नौकरी पे रख ले, उसकी औकात नहीं, लेकिन वो मेरी सेवाएं भी चाहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कहते हैं एक काम कर, तो जॉब पे मत रख, मैं मेरा ऑफिस चला रहा हूँ, तेरे यहाँ पे मेरे ऑफिस से 2 लड़के डेली आएंगे, मैं भी वीक में एक बार आऊँगा, सब कुछ काम देखते रहेंगे। तो ये भी मेरी क्या कहलाती है बताओ, इंटरनल ऑडिट। लेकिन अगर मैंने किसी कंपनी की इंटरनल ऑडिट कर दी, तो फिर मैं उसकी क्या नहीं कर सकता, स्टेचुरी ऑडिट नहीं कर सकता। समझ में आ रही है क्या बात, यहाँ तक क्लियर है? एक क्या होता है बच्चों, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं उनमें लागत लगती है, लगती नहीं लगती। सरकार का इंटेंशन क्या है, महंगाई को क्या किया जाए। अब महंगाई कंट्रोल कैसे होगी, जब कॉस्ट क्या हो, कम हो, भाई लागत नियंत्रित होगी तो सामने वाला सस्ते में बेच देगा। तो उसको कंट्रोल करवाने के लिए कंपनी की एक और ऑडिट करवाते हैं, और वो ऑडिट क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑडिट। अब आप कहें सर ये अलग है क्या ऑडिट, बिल्कुल अलग है। कॉस्ट ऑडिट अलग है, टैक्स ऑडिट अलग है, स्टेचुरी ऑडिट अलग है, इंटरनल ऑडिट अलग है, ये सब अलग अलग टाइप की ऑडिट है। क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर सिर्फ किसको देखेगा, कॉस्टिंग को। समझ में आ गया? अगर मैं किसी कंपनी का क्या पॉइंट हो जाता हूँ, कॉस्ट ऑडिटर, अगर मैं किसी कंपनी का क्या पॉइंट हो जाता हूँ बताओ, कॉस्ट ऑडिटर, तो मैं उस कंपनी की वैधानिक अंकेक्षण नहीं कर सकता। पर ये बात धारा 144 में लिखी हुई नहीं है, ये किस में लिखी हुई है, धारा 148 में। पर मैंने यहाँ लिस्ट में इसलिए लिख दिया कि एक साथ आपको ध्यान रहे। बोलो समझ में आ रही है क्या? अब क्वेश्चन पूछूं,
पूछ लें क्वेश्चन, किसी के डाउट हो तो पहले पूछ लो, फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ तक के पॉइंट सबके क्लियर हैं? आपके आगे बेटा समझ में, क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण कंपनी अंकेक्षक कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण कंपनी अंकेक्षक कर सकता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शन ए लागत अंकेक्षण, ऑप्शन बी आंतरिक अंकेक्षण, ऑप्शन सी कर अंकेक्षण टैक्स ऑडिट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा बताओ? टैक्स ऑडिट। जो कंपनी की ऑडिट कर रहा है वो उस कंपनी की इनकम टैक्स एक्ट के तहत क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है, उसके लिए कोई मनाही ही नहीं है। पर क्या नहीं कर सकते आप? इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते, और क्या नहीं कर सकते? कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? सबके क्लियर है? आ रहे हैं आपके? चलो अब आप क्वेश्चन का जवाब देंगे। एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण कंपनी अंकेक्षक कर सकता है? सर यही तो पूछा है, अभी दोबारा पूछ रहे हो? हाँ दोबारा पूछ रहे हो, ऑप्शन चेंज कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण कंपनी अंकेक्षक कर सकता है? ऑप्शन ए आंतरिक अंकेक्षण, ऑप्शन बी लागत अंकेक्षण, ऑप्शन सी शाखा अंकेक्षण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो समरी तौर पे क्या कह दूं कि कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक जो होता है, पहले बताओ ये तो सब समझ रहे हो ना, वैधानिक अंकेक्षक का मतलब जो कंपनी एक्ट के तहत ऑडिट होती है उसे हम स्टेचुरी ऑडिट कहते हैं, वैधानिक अंकेक्षक कहते हैं। वैधानिक अंकेक्षक क्या कर सकता है? कर अंकेक्षण कर सकता है, और क्या कर सकता है? शाखा अंकेक्षण कर सकता है। इनकी तो क्या है? अनुमति है। आप कंपनी ऑडिट के साथ साथ टैक्स ऑडिट भी कर सकते हो, और साथ ही क्या कर सकते हो? शाखा अंकेक्षण भी कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बना देंगे बस आपके एग्जाम में। इनकी अनुमति नहीं है, इनकी अनुमति नहीं है कि आप या तो यही ऑडिट कर लो या वो वैधानिक अंकेक्षण ही कर लो। किन किन की नहीं है? लागत अंकेक्षण की। पर लेकिन लागत अंकेक्षण कौन सी धारा में मना किया गया है? 148 में। और कौन सी ऑडिट नहीं कर सकते? आंतरिक अंकेक्षण। ये कौन सी धारा में मना किया गया है? धारा 144 में। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? यहां तक सबके क्लियर है? ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब आप कहें सर ये आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है, शाखा अंकेक्षण क्या होता है, कर अंकेक्षण क्या होता है, लागत अंकेक्षण क्या होता है, ये मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट वाले में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। और लागत अंकेक्षण तो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लास्ट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? तो आपको तीन सेवाएं समझ में आ गई, लेखांकन और पुष्पालन सेवाएं, या तो अकाउंटिंग कर लो या ऑडिट कर लो। दूसरा आंतरिक अंकेक्षण, या तो इंटरनल ऑडिट कर लो या स्टेचुरी ऑडिट कर लो। तीसरा कॉस्ट ऑडिट, या तो कॉस्ट ऑडिट कर लो या स्टेचुरी ऑडिट कर लो, दोनों काम नहीं हो सकते। तीन तो आपको ईजीबीए में समझ में आ गई। अब चौथी बात करते हैं बच्चों, बीमांकक सेवाएं, एक्चुरी सर्विसेज। मैं आपको इसमें किस्सा सुनाता हूं तो आपको दो मिनट में समझ में आ जाएगा बीमांकक सेवाएं होती क्या है। एक किस्सा सुनाता हूं। जब हम लोग सीए करने आए थे, हमारे गांव से हम 7 लड़के आए थे, होते हैं ना क्लास में होते हैं सारे, 7 लड़के हम लोग यहाँ जयपुर सीए करने आए थे। सारे अपने घर गए वापस बैक टू पेविलियन, में अकेला ही सीए बना, सब फेल हो गया, कोई किसी ने छोड़ दी। तो हमारा एक दोस्त था नवीन अग्रवाल करके, वो अच्छा पढ़ने में इंटेलिजेंट था और हमारी क्लास का टॉपर था, मतलब मेरे से भी बढ़िया नंबर थे उसके 12th में, रैंक होल्डर था 12th राजस्थान बोर्ड से उसकी रैंक थी। और उसने सीए की एग्जाम दी, वो हो गया फेल, तो उसको ऐसा झटका लगा कि फेल कर दिया, रैंक होल्डर को क्या कर दिया, फेल। तो वो इसको ईगो पे ले गया और उसने सीए ही छोड़ दी, बोले बेकार इंस्टीट्यूट है, नहीं करेंगे। उसने पढ़ाई ही छोड़ दी, इतना भयंकर धक्का लगा उसको, खैर छोड़ दी। हम लगे रहे, हम बन गए, वो नहीं बना। अब समय तो अपनी गति से चलता है, तो वो बेचारा इधर उधर हाथ पैर मारता रहा, कुछ पार पड़ी नहीं।
फिर उसने वो सूरत चला गया, और सूरत वो क्या बन गया, LIC का एजेंट बन गया, वो इंश्योरेंस पॉलिसियां बेचता है। एक हमारा दोस्त था हेमंत करके, उसका यहाँ एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में वो ऑन स्पॉट ही उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो हमारे पूरे ग्रुप में खलबली मच गई, और वो मर ही गया बताओ। तो उसके अंतिम संस्कार पे हम सारे दोस्त पहुँचे, तो वो भी आया सूरत से, आया मेरे पास में बैठा था, और सारे हम चुपचाप बैठे थे। तो उसने कहा यार बहुत गलत हो गया, मैंने कहा यार गलत हो गया, छोटे छोटे बाल बच्चे थे, मर गया बेचारा। वो तो क्या सोच रहा है, तेरे साथ नहीं हो सकता। मैं कहा यार तू क्या चाहता है यार, नहीं दुर्घटना है ना यार, पूछ के थोड़ी होगी आपसे, आपसे पूछ के होगी भाई हो जाऊं क्या, ये तो दुर्घटना है। मैंने कहा यार देख अब होनी जो है वो तो होगी, उसका तो कोई क्या कर सकता है। बोला LIC जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अरे बोला तू तो चला जाएगा, घर वालों को क्यों मार के जाता है, इंश्योरेंस करवा। मैं कह तुम्हारे इंश्योरेंस इंश्योरेंस में दम नहीं है। बोला यार प्लान तो सुन ले, प्लान तो सुन ले। मैं कह बता। उसने मुझे प्लान क्या बताया कि तुझे 1,00,000 रुपए देने एक साल के, एक साल का कितना देना है 1,00,000, कितने साल तक देना है तुझे 15 साल तक। कितने रुपए दे देंगे तेरे को 15,00,000 रुपए तूने दिए, 16वें साल से अगर तू बच गया, तो बीच में मर गया तो 15,00,000 मिल जाएंगे, और अगर तू बच गया 16वें साल से जब तक तू जिंदा रहेगा ता उम्र तुझे 1,00,000 रुपए मिलेंगे हर साल, गारंटेड हर साल तेरे को 1,00,000 रुपए देंगे। और इतना ही नहीं, तेरे मरने के बाद तेरी बीबी जब तक जिंदा रहेगी उसको भी 1,00,000 रुपए हर साल देंगे जब तक जिंदा रहेगी। और सुन इतना ही नहीं, तेरी बीबी के मरने के बाद तेरे बेटे को 30,00,000 रुपए देंगे एक साथ। अब बोल कराएगा क्या पॉलिसी, बताओ बच्चों पॉलिसी कराऊंगी नहीं कराऊं। देखो पहली बात तो मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं, और अगर होता ना तो मेरे जैसा आज कराए ना कल कराए, ये मूर्ख बनाने की शानदार विधि है। नहीं समझे, मूर्ख बनाने की बहुत गजब की विधि है ये। आप कहें सर कैसे, चलो बताता हूँ। मैं हो गया 40 साल का, आज मैं पॉलिसी लेता हूँ तो 55 साल तक तो मैं पैसा दूंगा ही, 56 साल से मेरे को पैसा मिलना शुरू होगा 1,00,000 रुपए साल के। कितने साल तक ले लूंगा जी, कितने साल तक ले लूंगा साहब, हमारे खानदान का मैंने हाईएस्ट रिकॉर्ड निकाला है, हरिद्वार गया था एक बार पंडो से निकलवा लिया रिकॉर्ड, 75 हमारे यहाँ पे हाईएस्ट गए हुए हैं। ठीक है मैं मान लेता हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, 1 साल और एक्स्ट्रा जी लूंगा, × 20 कितने रुपए आए मेरे पास में 20,00,000 रुपए। अब बात करते हैं मेरी बीबी की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं अगर मेरी उम्र बढ़ रही है तो उसकी भी बढ़ रही है, वो माने या नहीं माने। हाँ अरे आज से 10 साल पहले वो अपने आप को 25 की बताती थी, आज भी अपने आप को 25 की बताती है, जबकि लोगों को मालूम चल रहा है उसको नहीं चल रहा। खैर उम्र तो बढ़ ही रही है, मैं मानता हूँ वो मेरे से ज़्यादा जिएगी क्योंकि खून जो चूस रही है मेरा, कितना साल और जी लेगी बताओ। अगर मैं 76 में मरूंगा तो वो कितने में मर जाएगी, डोकरी एक दिन तो जाएगी, 5,00,000 और मान लो 5 साल और जी लेगी, 5,00,000 और आ गए, कितने आए 25, मेरे बेटे को कितने मिलेंगे 30, कितने रुपए दिए आपने मेरे को 55,00,000, ले कितने लिए 15,00,000, अरे करोड़ों रुपए ले लिए आपने मेरे से। आप में से कोई जयपुर का है, आप हो बेटा, चलो ये बच्चों से पूछते हैं, आप भी हो, कहाँ रहते हो, हैं नारायण बिहार, अच्छा वो नारायण जी जो जेल चले गए थे उनकी प्रॉपर्टी में रहते हो आप, कितने का मकान लिया था बेटा, 75,00,000 का, कब लिया था, अभी तो खैर नया ही है, ताजा ताजा केस है। आप बताओ पुराने हो, नए हो, पुराने हो, कहाँ रहते हो, मुरली पुरा 1 नंबर, हाँ मकान खुद का किराए का है, कितने का लिया था, अब बहुत टाइम पहले का ही बताओ, बहुत टाइम पहले का ही बताओ, कितने का लिया था, 250 गज का 8-9 लाख में। बेटा मेरे से 15,00,000 ले लेते थे,
15 लाख रुपए ले ले मेरे से, ये मकान दे दे मेरे को, 1 करोड़ का मिलोड नोट करें, 8-9 लाख रुपए की चीज 1 करोड़ रुपए। और ये बच्ची बोल रही है बहुत पहले बेटा, 25 साल से पहले तो नहीं है ना, बस ना, या 15 साल तक तो तुम मेरे से पैसे ही ले रहे थे। मेरा जो आज का 1 लाख रुपए है, आज का 1 लाख रुपए 1 करोड़ है, बना दिया ना बेवकूफ। आपको लगा ना अट्रैक्टिव, ऐसे बिकती इंश्योरेंस पॉलिसियां, और इंश्योरेंस पॉलिसी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो महामूर्ख होते हैं, महामूर्ख। अरे पैसा इन्वेस्ट करना है तो किस में करो? व्यापार में करो। पैसा ग्रोथ किस में होगा? व्यापार में होगा, पॉलिसियों में होगा क्या? पर बताओ बिक्री कि नहीं बिक्री? कंपनियां खोने के लिए बैठी है कि कमाने के लिए? तो ये पॉलिसी कौन डिजाइन करता है? और जोखिम भी है देखो, ऐसी बात नहीं कि कंपनी पूरा कमा ही रही है। मान लो इस आदमी ने 1 लाख रुपए दिया और दूसरे साल में जैसे आराम हो गया तो कंपनी को तो 15 लाख देने पड़ गए, तो जोखिम भी ले रही है कंपनी, कंपनी जोखिम भी ले रही है। तो एक जोखिम भी हो और कंपनी लाभ भी कमाए, ऐसा कोई एक पॉलिसी डिजाइन किया जाए। ये काम आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, जो पूरा क्या करते हैं, स्टैटिक्स के फॉर्मूले लगाते हैं, मैथ्स के फॉर्मूले लगाते हैं। और इस टाइप की सेवाओं को अपन क्या कहते हैं? बीमांकक सेवाएं, जो इंश्योरेंस के फील्ड में काम आता है, जिसमें आप गणित के और सांख्यिकी के सूत्र लगाते हुए जोखिम का निर्धारण करते हुए पॉलिसी डिसाइड करके देते हो। अगर आप किसी कंपनी को ये सब काम करके दे रहे हो तो आप तो उसके बिजनेस में क्या हो गए? इन्वॉल्व हो गए, तो आप फिर उसकी ऑडिट नहीं कर सकते। तो या तो किसी इंश्योरेंस कंपनी को बीमांकक सेवाएं दे देना, या फिर उसकी क्या कर लेना? ऑडिट कर लेना। बोलो समझ में आ गया क्या? अब आ जाओ बच्चों, इसकी बात करते हैं। प्रबंध सलाहकारी सेवाएं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, समझते हो क्या होता है? देखो बेटा क्या होता है, आप कोई काम शुरू करोगे मान लो किसी भी दिन, और आपका काम भगवान ने चाहा तो चल गया, मालूम क्या होगा? एक लेवल आएगा जब आप परेशान होना शुरू हो जाओगे कि यार इतना काम है मैं कैसे संभालूं। तो आपको वहां पे मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अब मैनेजमेंट कैसे करते हैं? प्रबंध का अर्थ क्या है? दूसरों से कार्य करवाना, ये एक आर्ट है। तो ये काम हम अच्छे से जानते हैं। हम हमारे क्लाइंट को अगर इस टाइप की सेवाएं दे रहे हैं, उनके मैनेजमेंट से संबंधित सलाह देते हैं, तो फिर हम उसकी क्या नहीं कर सकते? अब मैं आपको इसमें एक किस्सा सुनाता हूँ। प्रबंध सलाहकारी सेवाओं से मुझे याद आया, मेरे एक क्लाइंट है साहब, सीतापुरा में फैक्ट्री है। एक दिन मैं उनके साथ बैठा था तो अचानक से वो क्या बोलते हैं, यार सीए साहब मैं तो दुखी हो गया यार। कहा सर क्या बात, इतनी बढ़िया फैक्ट्री चल रही है, क्यों दुखी हो रहे हो, बढ़िया पैसे कमा रहे हो? अरे सर मेरे को ऐसा लगता है मैं फैक्ट्री नहीं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। उनका मतलब ये साहब मेरे यहाँ पे लोग ज्वाइन करते हैं, 5-6 महीने काम सीखते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अब बताओ सीए साहब, नए नए आते हैं सीखते हैं चले जाते हैं, कोई रुकता ही नहीं, क्या कर लें? तो मैं उसकी बात सुन के मैंने एक शायरी मार दी। धूल चेहरे पे थी शीशे को साफ करता रहा, गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा। मैंने डायलॉग मारा, क्लाइंट भड़क गया, यार सीए साहब क्या कहना चाह रहे हो यार? मैं कहा सर गलती किसकी है? आपकी है। मेरी क्या गलती है यार? मैं कहा कोई आदमी अगर आपके यहाँ नौकरी करने आया है तो इसका मतलब उसको नौकरी करनी है ना, तो छोड़ के क्यों जा रहा है? कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि आप में भी कमी है? ऐसे ही लग रहा है कि हमेशा लोग ही गलत हैं, वही छोड़ के जा रहे हैं, कभी आपको नहीं लगा कि आप में कमी है? बोले सर आप ये तो कहोगे कि सैलरी कम देते होंगे, बढ़ा के भी देख ली सर। मैं कहा ऐसा नहीं है सर, खाली सैलरी के लिए काम नहीं करते लोग, इज्जत भी चाहिए। बोले यार सीए साहब बड़ी बड़ी बातें करते हो, काम करो, ये आप संभालो काम। मैं कहा सर मैं क्यों संभालूँ? बोले आपको फीस दूंगा, 50,000 रुपये ले लो महीने की, पर मेरे यहाँ पर कोई भी आदमी का रिक्रूटमेंट आप करोगे, सैलरी आप तय करोगे, मेरा कोई रोल नहीं। और बोलो जो आपने बोल दिया वो फाइनल, रखोगे भी आप, नियुक्ति भी आप करोगे, सैलरी भी आप तय करोगे, फिर तो छोड़ के नहीं जाएंगे ना लोग। क्या ये काम मैं करता हूँ? सीए क्या नहीं करते, मैं तो मेरी सर्टिफिकेट बना देता हूँ। आप क्या बात करते हो, फीस दिए जाओ बस सारे काम हो जाएंगे। अब बताओ मैं किसी के यहाँ पे एचआरएम सर्विस दे रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, तो ये क्या हो गई? प्रबंध सलाहकारी सेवाएं। इसमें बहुत तरीके की सेवाएं आती हैं, जैसे मैंने रिक्रूटमेंट का बता दिया,
इसके अलावा कई क्लाइंट आते हैं, सर हमें ये प्रोजेक्ट लगाना है, इसमें पैसे लगाएं कि नहीं लगाएं। जैसे अभी क्या हो रहा है, एक मेरे क्लाइंट हैं वैशाली नगर में, रंगोली गार्डन में रहते हैं, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, बोले सर आपका ओपिनियन क्या है इलेक्ट्रिक कार्स को लेके। कहा सर फ्यूचर अच्छा है, अभी तो क्या है सब कंपनियां 5-5, 6-6 लाख रुपये इलेक्ट्रिक कार की रेट ज़्यादा ले रही है, इसलिए लोग उनसे जुड़ नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगी रेटें कम हो जाएंगी। तो बोले सर यही मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर इंडिया में बहुत बढ़िया है, धीरे धीरे पेट्रोल डीजल की कारें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो सर जगह जगह पे इलेक्ट्रॉनिक पंप खुलेंगे, जैसे पेट्रोल पंप खुले हुए ना, तो सर अपन इलेक्ट्रॉनिक पंप का पूरा ठेका ले लें राजस्थान का। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं कहा सर अब भी लोगे कोई सेंस नहीं है, 5 साल बाद में ये चलेगा, अभी तो आइए मान लो आपकी कॉस्ट ही नहीं निकलनी। बोले सर आप मार्केट का सर्वे करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकाल के दो, उसने दे दिया ये काम, बताओ ये काम भी करते नहीं करते हम। तो मार्केट का सर्वे करना, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करना, मैनेजमेंट के रिक्रूटमेंट सर्विसेज करना, ये सब किस में आती हैं, प्रबंध सलाहकारी सेवाओं में। अगर मैं किसी को इस टाइप की कंसल्टेंसी देता हूं तो मैं तो उनके मैनेजमेंट का क्या हो गया, पार्ट हो गया, तो फिर मैं उसकी ऑडिट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सेवा देखो, निवेश सलाहकारी सेवाएं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, बताओ ये क्या होती है, जानते हो आप? एक महीने का कितना रुपया निकाल सकते हो? कि सर इतना मैं निकाल लूंगा, 5,000। आप 5,000 रुपये महीने की मैंने मेरे को दे 12 साल के कितने दिए, 60,000 20 कितने दे दिया आपने मेरे को, 12 लाख रुपए। समझ में आ रहे? आप मेरे से 1 करोड़ रुपए ले जाना 20 साल बाद, कितने रुपए ले लेना, 1 करोड़। आप कर सकते हो ऐसा? आप नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ, मुझे मालूम है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो कहाँ रिटर्न आएगा, समझ रहे हो? और मैंने कहूँ कि कर दिए इसे 1-1 करोड़ रुपए, बिल्कुल आपके लिए भी करेंगे, मेरा एड्रेस देता हूँ, इसकी हम फीस लेते हैं। मैंने बताया ना हम प्रोफेशनल है, मैं फोकट में क्यों करूँगा, फोकट में मैं मेरी बीबी का अकाउंट मेंटेन नहीं करता। हाँ, फीस नहीं, ये अलग काम की है, वो अलग काम है। तो बताओ क्या हम लोग ऐसा काम करते हैं? सब मैं बता दूं, बहुत सारे सीए इसी काम में लगे हुए हैं, लोगों के इन्वेस्टमेंट को 3-4 गुना करके देते हैं, उनको कमा के दे रहे हैं। आप शेयर मार्केट, राकेश झुंझुनू वाला, मोतीलाल ओसवाल का, रामदेव अग्रवाल, ये सारे लोग कौन है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और ये लोगों के फंड्स को मैनेज करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, और उनको 4-5। देखो क्या है, आप किसी को ठग के है ना भविष्य नहीं बना सकते। आज मैं आपसे फीस ले रहा हूं, समझना बात को, और आप जूनियर अकाउंटेंट बन गए ना, आपके मन में एक बात रहेगी कि यार फीस डूबी नहीं, समझ रहे ना? हम किसी को ठग के नहीं कमा सकते कभी भी। तो हम लोग क्या करते हैं, लोगों को रिटर्न देते हैं बदले में, आपसे 500 रुपए लिए तो मैं आपको 1500 दूंगा और उसमें अपना कमीशन भी बना लूंगा। तो ऐसे बहुत सारे सीए काम कर रहे हैं। अगर मैं इस टाइप के काम करता हूं तो फिर मैं ऑडिट नहीं कर सकता। पर देखो इसको ऐसे मत समझ लेना कि कोई क्लाइंट मेरे पास आया, सर मैं प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करा दूं क्या, मैं कहा करा दे, ये लो मैं ऑडिट नहीं कर सकता, ऐसे थोड़ी। कोई बरबली पूछ रहा है, मैं बरबली बता रहा हूँ, वो नहीं, मेरा धंधा होना चाहिए ये कि मैं लोगों के फंड्स को क्या करता हूँ, मैनेज करता हूँ। बोलो समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है निवेश बैंकिंग सेवाएं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, जानते हो क्या होती है? नहीं जानते, मैं आपको बात बताता हूँ। नहीं, SIP वगैरह सब निवेश सलाहकारी में आ गई। निवेश बैंकिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसको पब्लिक से बहुत सारा पैसा लेना है, बताओ क्या लेके आएगी, IPO, सुना सबने है ना? कोई भी कंपनी अगर जनता से पैसे लेती है तो अपने शेयर इशू करती है। अब आपको लगता होगा ठीक है सर IPO लिया और पैसा ले लो, पर एक बार सोच के देखो, हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं और आप सबको क्या कर रहे हो, इनवाइट, इतना सारा पैसा आएगा कैसे मेंटेन करोगे, किसको देना है किसको नहीं देना है, किसके पैसे वापस लौटाने हैं, एक गलती हो गई तो सेवी तुम्हारे प्राण ले लेगा। सारा इंडिया वाला जेल में क्यों बैठा है, सारा इंडिया वाला जेल में क्यों बैठा है? अगर चोर होता तो विजय माल्या जैसे भाग जाता, नीरव मोदी जैसे भाग जाता, वो तो यहीं बैठा है, गलती करी है, कानून की गलती करी है इसलिए जेल में बैठा है। तो एक गलती होती जेल में जाओगे,
तो आजकल लोग क्या पंगे ही नहीं लेते, वो यार ये काम प्रोफेशनल का है, प्रोफेशनल को दो। तो हमारे जैसे लोगों के पास में आ जाते हैं, बोले सर हम आईपीओ लेके आ रहे हैं, सारा काम किसको मैनेज करना है, आपको मैनेज करना है, सारी लीगल फॉर्मेलिटी आपको देखनी है। तो अगर मैं किसी क्लाइंट की कौन सी, इसको आप भले ही शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो, आईपीओ, अगर मैं इस टाइप की सेवा दे रहा हूँ तो फिर मैं उसकी क्या नहीं कर सकता, ऑडिट नहीं कर सकता। मतलब ये सारी ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ पे आपका क्लाइंट से क्या बन रहा है, कनेक्शन, तो फिर आप ऑडिट नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है बाह्य स्रोत से वित्त उपलब्ध कराना। आपको पैसा चाहिए, आप में साहस है, जोश है, व्यापार करना चाहते हो, पर खाली क्या नहीं है, पैसा नहीं है, तो मेरे जैसे के पास आओ, हम दिलाएंगे। हम लोगों से पैसे लेते हैं तो लोगों को पैसा दिलाते भी हैं, लोन वगैरह करा के देंगे हम आपको, समझ में आ रहा है। अब मोदी जी ने इतनी बढ़िया बढ़िया स्कीम निकाल रखी है, मुद्रा योजना, मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया स्कीम। अभी मैंने बीच में एक काम करना शुरू किया था, बाद में मैं थक गया उसको करते करते, कि ये जितने भी ठेले वाले हैं ना, रेडी वाले, ये सब, उनको बुला लेता भाई इधर पैसा चाहिए, दे दो ना बाबू जी, अरे 1,00,000 रुपये दूंगा। सब 1,00,000 रुपये, अब ठेले वाले को 1,00,000 रुपये, वो क्या करना पड़ेगा। मैं कहे एक तेरा आधार कार्ड दे दे, और साहब और क्या चाहिए। मैं कहे नगर निगम में जाके तू ठेले वाला है ये रजिस्टर्ड करवा ले। और ठीक है साहब, करा लाया मैंने, जवाहर नगर बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में उसकी फाइल गई, 1,00,000 रुपये दिला दिए, 10,000 रुपये कटक गया, समझो। ऐसे खूब काम करे मैंने, मतलब ये मान लो 10,000 की दिल्ली की फाइल, और 100 रेवड़ी वाले सारे आ गए मेरे पास कि हाँ भैया हमारा गॉड फादर है, लोगों नाम ही निकाल दिया, अरे वो 1,00,000 रुपये वाला सीए है, बोले उनके पास जाओ 1,00,000 रुपये ले आओ। फिर मालूम है क्या हुआ, वो एक एक के अकाउंट एनपीओ होने शुरू हुए, क्योंकि उनको पैसा देना ही नहीं था, 1 रुपये नहीं चुकाया किसी ने। और बैंक वालों ने मेरे को पकड़ना शुरू कर दिया, अरे सर ये कहाँ कहाँ से लिया है। मैंने उस बैंक के जाना ही बंद कर दिया, मैंने कह रहा मैं किस किस का जवाब दूँ। तो ये मोदी जी की स्कीम है साहब, मोदी जी ने स्कीम निकाली है 1,00,000 रुपये तक की, बहुत स्कीमें पर लोगों को मालूम ही नहीं है। तो हम दिलाएंगे आपको लोन। आप कैसे, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने मांगी क्या सर, मैं इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता, मैंने मांगी क्या। आप खुद तो हो ना, बस बहुत है, जोश होना चाहिए, साहस होना चाहिए, हम पैसे दिलाएंगे, इस बात के हम कमीशन खा रहे हैं। तो साहब बाह्य स्रोत से मैंने आपको क्या उपलब्ध करा दिया, वित्त, तो कहीं ना कहीं मेरा आपसे क्या हो गया, कनेक्शन, मैं ऑडिट नहीं कर सकता, समझ में आ गई। नेक्स्ट है देखो बच्चों, ये वित्तीय सूचना तंत्र, मैं आपको इसमें बात बताता हूँ। ये जो पैसा होता है ना, फाइनेंस, फाइनेंस का भी एक तरीका है, फाइनेंस का भी एक तरीका है। देखो पैसा, मैं आपको बताऊँ, आपके पास में 500 करोड़ रुपये आ जाएंगे, अगर आपको पचाना नहीं आता ना तो उल्टी कर दोगे, 500 करोड़ भी साहब बोलेंगे, क्योंकि पैसे का मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगा वित्त के स्रोत, किसमें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाली सब्जेक्ट में, कि सब पैसा आप ले सकते हो पर पैसे की कॉस्ट लगती है, उसके एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। तो कहाँ से पैसा जुटाएं, कौन से स्रोत से लें, आप बताओ। एक कंपनी बना लेते हो आप, क्या जारी करके पैसा जुटाना चाहोगे, इक्विटी शेयर या डिवेंचर, बताओ आप। समता अंश यानी कि शेयर इशू करके पैसा जुटाना चाहोगे या ऋण पत्र इशू करके, अब डिपेंड करेगा। अगर आप ऋण पत्र इशू करते हो तो आप कमाओ या नहीं कमाओ आपको ब्याज देना पड़ेगा, और एक फिक्स डेट के बाद में उनका रीपेमेंट भी करना पड़ेगा। और अगर इक्विटी शेयर इशू करते हो, आईपीओ ले आए, शेयर इशू कर दिया, पब्लिक से पैसा ले लिया, ना तो लाभों में हिस्सा देने की गारंटी, ना पैसा वापस चुकाने की गारंटी। पर समस्या क्या है, ऋण पत्र धारी कभी भी कंपनी के मालिक नहीं होते, पर इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के क्या हो गए, अब आपको मालिकाना हक देना पड़ रहा है। तो हर चीज़ के प्लस भी हैं तो हर चीज़ के क्या हैं, तो हम आपको बताएंगे कि भाई ये चीज़ करो और ये मत करो। तो एक तरह से ये काम कौन करता है, कंपनी का फाइनेंस मैनेजर। तो मैं एक तरह का क्या हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, तो फिर मैं उसकी ऑडिट नहीं कर सकता। आगे लिखा है अन्य कोई सेवाएं जो किसमें बताई जाए, कार 2014 में, जो अभी तक बताई गई है नहीं। तो 9 सेवाएं आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ये सेवा देते हो तो आप किसी भी कंपनी की क्या नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। अब ये वाली जो लाइन है ना बच्चों, ये अब कोई काम की नहीं है। अब क्यों काम की नहीं है, देखो कंपनी एक्ट 2013 में ये सर्विसेज की लिस्ट दी, क्या इससे पहले कंपनियां नहीं थी, तब एक्ट कौन सा था, कंपनी एक्ट 1956, कंपनी अधिनियम 1956 में से था, कुछ लिखा हुआ था ही नहीं।
तो मान लो मैं किसी कंपनी की इंटरनल ऑडिट कर रहा था, तो पहले मैं क्या कर रहा था, स्टेचुरी ऑडिट भी, क्योंकि मना तो था ही नहीं। अचानक से एक एक्ट आया, आज रात्रि 8 बजे बाद जो भी ऑडिटर ये सेवाएं दे रहा है वो ऑडिट नहीं कर सकता। अरे रातों रात, रातों रात एक्ट लागू कर दोगे तुम और हमें बेघर से बेरोजगार कर दोगे? तो साहब मोदी जी का घबराओ मत, तुम्हारे जेब में जो नोट पड़े हैं वो तुम बदलवा सकते हो, टाइम दे रहे हैं। तो इन्होंने हमको टाइम दिया कि धारा 144 के प्रावधानों का अनुपालन विद्यमान अंकेक्षक, विद्यमान मतलब जो पहले से ऑडिट कर रहा है, कौन से एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट 1956 के तहत, क्योंकि पहले तो कर सकता था, कोई बात नहीं, वो काम भी करते रहो ऑडिट भी करते रहो, लेकिन ये एक्ट जिस दिन लागू हो गया उसके अगले साल तक की मोहलत दी हमने, यानी कि 1 अप्रैल 2014 से एक्ट लागू हुआ, तो 2014-15 का केवल एकमात्र ऐसा वर्ष था जहां पे आप इंटरनल ऑडिट भी कर सकते थे और स्टेचुरी ऑडिट भी कर सकते थे, एक साल की हमने मोहलत दी थी। तो अब ये कोई काम का रहा नहीं, क्योंकि अब तो 2022-23 चल रहा है, तो ये पुरानी बात हो गई। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? तो ये आज आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, कौन सा, अंकेक्षक की योग्यता और अयोग्यता। और इसी के साथ हमने एक और धारा कंप्लीट कर ली, कौन सी, धारा 144। तो कुल मिला के मैं अब तक धारा 141 करा चुका हूँ, 144 करा चुका हूँ और 145। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों, अंकेक्षक की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अंकेक्षक की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, धारा 139 की उपधारा 1 से लेकर 11 तक। धारा 139 की उपधारा 1 से लेकर कहां तक पढ़ेंगे, 11 तक। हाँ बेटा, 100-200 बहुत बड़ी बात हो गई, एक शेयर है मेरे पास, एक कितने रुपए का, 10 रुपए का, ऑडिट नहीं कर सकता, ये तो खुद के लिए बोल रहा है। अगर अंकेक्षक किसी कंपनी का अंशधारी है, इसका मतलब वो कंपनी का क्या है, सदस्य है, अगर ऑडिट करना चाहता हूं तो पहले वो शेयर बेचो। हाँ देखो ऐसा है, एक्ट में जो वर्ड लिखा हुआ ना, वो लिखा हुआ है सिक्योरिटी। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि इक्विटी की प्रेफरेंस, तो अगर और डेप्थ में कुछ जाए तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसे शेयर जो इक्विटी शेयर्स हैं, यानी कि जिनमें वोटिंग पावर मिले, मतदान करने की क्या मिले, शक्ति, तो वहां पर अगर ऑप्शन में आ जाए इक्विटी और प्रेफरेंस में से सेलेक्ट करना पड़े तो प्रायोरिटी किसको देना, इक्विटी को, बाकी क्वेश्चन आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एक्ट में ना इक्विटी शेयर लिखा हुआ ना प्रेफरेंस शेयर, एक्ट में लिखा हुआ सिक्योरिटी, प्रतिभूति, प्रतिभूति में तो दोनों ही आते हैं। हाँ, बाकी तो मैंने ये थोड़ी कह रहा हूं ये काम ही नहीं कर सकते, ये काम तो कर ही सकते हो, आप पैसे भी ले हो, पर बस उसकी क्या मत करना, दोनों काम नहीं कर सकते, या तो ऑडिट ही करो या ये सेवा ही दो, नहीं समझे क्या? हाँ, ऑन रिकॉर्ड, ऐसे तो ऑफ रिकॉर्ड की तो क्या बात करूं, ऑफ रिकॉर्ड की क्या बात करूं, आप में से कौन है जो खाली सैलरी के लिए जूनियर अकाउंटेंट बन रहा है? अब ऑफ रिकॉर्ड की क्या बात करूं, अगर बन रहा है तो खाली सैलरी पे जी के बता देना, क्योंकि अभी तो कुंवारे हो, फिर आपके सामने एक फैक्टर आएगा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर, कपट जोखिम घटक, जो अंकेक्षक को उकसाएगा कि कपट करो, क्योंकि साहब 5,000 रुपये में अगर फेशियल करा के आएगी आपकी बीबी तो बड़ा 5,000 की रिश्वत तो लेनी पड़ेगी ना। अब ये तो ऑफ द टेबल है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ, ऑफ द टेबल की बात ही नहीं कर सकते ना, अपन तो ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया क्या? अब बात आती कि साहब ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेगा, मैं आपको बहुत डेप्थ में लेके जाऊंगा, इसमें बहुत डेप्थ में लेके जाऊंगा, पर डेप्थ के चक्कर में बेसिक मत भूल जाना। आज मैं आपको 2-3 सिर्फ 4 पॉइंट बता रहा हूं, कितने पॉइंट, 3 ही मान लो, चलो 3 पॉइंट बता रहा हूं बस, ये तो घोट के भी लेना ठीक है, तो आरपीएससी लेवल पे तो इतने में काम हो जाना है, ये धारा 11 तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पर मैं पढ़ाऊंगा एक एक धारा, समझ गए? कुछ पूछ रहे थे बेटा? हाँ, दूसरी कंपनी की कर सकते हो, लेकिन दूसरी में कौन नहीं होनी चाहिए, कंपनी या उसके सब्सिडरी या उसकी होल्डिंग, याद है ना, धारा 141 की धारा 3 का वाक्य में क्या बताया था, यदि आप किसी कंपनी में या उसके सब्सिडरी में या उसकी होल्डिंग में सेवा दे रहे हो,
तो फिर आप ऑडिट नहीं कर सकते, बाकी किसी में करो। ये समझ में आ गया क्या? आगे चलें। अब अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपके एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाए सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर याद रख लेना क्या, केग द्वारा। सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, केग। क्लियर है? अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाए प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, संचालक मंडल द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। और सिंपल सा पूछ लिया जाए अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, इतना सा पूछ लिया जाए, तो आंसर क्या देंगे, सदस्य। कई बार क्या है, ये अंशधारी भी लिख देते हैं। आप तो इसको घोट के भी लेना तीन पॉइंटों को बस। अब मैं आगे आपको डिटेल में कराऊंगा, बहुत डिटेल में कराऊंगा एक एक सेक्शन, पर ये तीन को घोट के भी लेना, ये बार बार में पूछते हैं, ठीक है। अब इसमें घुमा घुमा के पूछेंगे, सार्वजनिक कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, बताओ आंसर क्या होगा। सार्वजनिक कंपनी में अंकेक्षक, ये पिछली बार आया था जूनियर अकाउंटेंट में, सार्वजनिक कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, आंसर क्या आएगा, सदस्य। कहीं बच्चों के पीछे से आवाज आ रही है केग, बेटा मैंने सरकारी नहीं बोला, सार्वजनिक बोला है। निजी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, सदस्य। निजी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, सार्वजनिक कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, सरकारी नाम आते ही के, ये लो बस, ऐसे घुमा के पूछेंगे। अब हम एक एक को डिटेल में कल पढ़ेंगे, आज इतना ही करते हैं। हाँ हाँ।